पाकिस्तानी सेना और टीटीपी में भीषण मुठभेड़ की खबर है। आतंकवादी हमले में 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है और बहुत सारे जो टीटीपी के लोग हैं ये सारे तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान में अभी भी छुपे हुए हैं, जिनके लोग यहीं पे बैठे हुए हैं, ये कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। बात की जाए अखवान लाइंस की, वो हाथी पर अपना ऐसा लंच लेता है, वो उसको खाने की कोशिश करता है। सो एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट। सो आज अफगानिस्तान वालों ने खा गए ऑस्ट्रेलिया को। आज उन्होंने वो बदला लिया कि जो रिक्वायर्ड था, जो उनके साथ हुआ पिछले वर्ल्ड कप में। तालिबान पाकिस्तान वाले हैं, ये लेटेस्ट वेपनरी यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, नाइट विजन डिवाइस, हैंडहेल्ड थर्मल इमेजिंग, राइट, स्नाइपर राइफल्स, ये सब यूज कर रहे हैं यार। और ये सब तो पाकिस्तानी पुलिस ने देखा भी नहीं, उनके पास है नहीं। ये बेचारे बैठे रहते हैं लाइक सिटिंग डक्स, तहरीक तालिबान पाकिस्तान उनको ठोकता रहता है कि अफगानिस्तान जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मेरा ख्याल है कि हम सबको सेलिब्रेट करनी चाहिए अफगानिस्तान की ये जीत। और क्यों सेलिब्रेट करनी चाहिए, इसका ताल्लुक ये नहीं है कि वो जनाब हमारे पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के मसले अच्छे नहीं हैं या हम पिछले आजकल बड़ी मुश्किल हालात में चल रहे हैं। ये यहाँ पे कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे टीटीपी को, और अगर नहीं किया तो ये चीज पूरे मुल्क में फैल जाएगी और इस्लामाबाद जो है वो एक एग्जांपल बनता हुआ हमें नजर आ रहा है। आप किस तरह से देख रहे हैं सब पाकिस्तान की सारी सिचुएशन को? जिसे सिंपल सी बात है कि ये इनको जब तक जूते नहीं पड़ेंगे, इनको आप सही तरह ठीक नहीं करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू मेक इट टू कम टू द टेबल इनके। और दूसरा, मैं तो किसी को जिम्मेदार ठहराता, मैं सिर्फ अफगान तालिबान को जिम्मेदार ठहराता हूँ, क्योंकि ये इनको स्पेस दे रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आज सुबह आप लोगों ने खबर तो सुनी लिया होगा कि अफगानिस्तान की टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 T20 फॉर्मेट के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ एक और खबर मैं आज दोपहर की दे दूं आप लोगों को कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ते हुए पाकिस्तान की टेरिटरी में घुस के 5 पाकिस्तानी जवानों को 72 यूरो के पास भेज दिया। जी हाँ दोस्तों, इसको जो है पाकिस्तानी आर्मी ने ऑफिशियली कंफर्म किया है। भारतीय मीडिया पे भी खबर छाई हुई है, एज वेल एज पाकिस्तानी मीडिया पे भी डिस्कस हो रही है। और यही रीजन है कि पाकिस्तान से कोई लाइक क्यों नहीं करता, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान ने हर जगह बर्बादी फैलाई। आज तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो एक ग्रुप है TTP, वो पाकिस्तानियों पर अटैक क्यों करता है, क्योंकि उनको पाकिस्तान ने एक समय पर वादा किया था कि भाई तुम जो है अफगानिस्तान में अशांति फैलाओ, अफगानिस्तान में अमेरिका से लड़ो, जो भी अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं उनसे लड़ो, इसके बाद हम तुम्हें बलूचिस्तान में एक जगह देंगे रहने के लिए। पाकिस्तान ने दिया ही नहीं। अब तालिबान उसी जगह को लेने के लिए लड़ रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। और जो तालिबान है, जिनका गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, वो TTP को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं भाई TTP को जब पाकिस्तान ने कहा था जगह देने के लिए, तो फिर TTP अपना लड़ के जगह ले लें। और यही TTP वही संगठन है जिसने तालिबान की भी सहायता की थी, तो तालिबान उनको क्यों रोके फिर? और माजी में भी पता है आपको, इनके लिए हमने अपने मुल्क खोल दिया, बॉर्डर खोल दिए, इन्होंने हमारे मुल्क का सोशो कल्चरल और सोशो पॉलिटिकल और सोशो इकोनॉमिक सारे का सारा सेटअप तबाह करके रख दिया। इनकी नस्लें यहाँ पे दूसरी दूसरी पल रही हैं पाकिस्तान में, और ये TTP को जो है वो हमारे मुकाबले पे ला खड़ा कर रहे हैं। दे शुड हैव इमीडिएटली उनको कहा था खत्म, निकल जाए आप अफगानिस्तान से, आपका यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, और हम पाक फौज की मदद करेंगे और पाकिस्तान की मदद करेंगे आपके साथ। लेकिन ये दे हैव बीन द ब्रदर इन आर्म्स, ये एक दूसरे के साथ से साथी हैं। इनको पता है कि आइंदा भी अफगानिस्तान की सरजमीन, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि हमें आइंदा भी तालिबान के तरले ही करने पड़ने हैं। देखो जी, वो फलाना TTP का बंदा तुहाडे मुल्क ही वड़ गया, साढ़े वाले करो। और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब ये नहीं मारे जाते हों। और एक और रिपोर्ट आई है कि इस एरिया में करीब 100-125 के आसपास ऑलमोस्ट पुलिस वाले मारे गए हैं। तो ये हमें देखना है कि ये जा कहाँ रहा है मामला, ये लगातार इनके अटैक चल रहे हैं, और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब पाकिस्तान से, अगर कोई भी इनका अखबार पढ़े या इनका सोशल मीडिया क्लोजली फॉलो करे, आपको पता लगा होगा रोज ठोक रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां पे आतंकवादी कहें कि भाई साहब आज छुट्टी है, आज फैमिली के साथ मॉल जाना है, आज शॉपिंग करनी है, आज घर वालों के साथ वक्त बिताना है। ना, ये सब है ही नहीं। वो कोई छुट्टी वुट्टी नहीं लेते। नो एनुअल लीव, नो कैजुअल लीव, उनका एक ही मंत्र है, सवेरे उठो, चाय नाश्ता करो, ठोको पाकिस्तान को, अगले दिन फिर वही काम करो, अगले दिन ठोको, रोज के रोज चल रहा है मामला।
और अब तो इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, जो कि इनको मारने के लिए जिस डिपार्टमेंट ने जन्म लिया था, उस डिपार्टमेंट को ठोक रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को टेररिस्ट ठोक रहे हैं, जबकि काउंटर टेररिस्ट डिपार्टमेंट का काम है टेररिस्ट को ठोकना। ये उल्टी गंगा बह रही है। जो टीटीपी के हेड है वो कह रहे हैं जनाब के हम तो पीछे नहीं हटे, गवर्नमेंट जो है वो पीछे हट गई है। कि आप डायलॉग क्यों कर रहे हैं टीटीपी के साथ? आपको किसने हक दिया है कि टीटीपी जो हमारे बच्चों के कातिल हैं, जो मर्डरर्स हैं, उनके साथ आप डायलॉग करेंगे? जस्ट फिनिश देम ऑफ। अगर हमने इतनी कुर्बानियां दे दी हैं, इतनी जाने दे दी हैं, तो और हुकूमत जाने और आवाम जाने देगी, लेकिन इनको जो है वो फॉरएवर ये टीटीपी का नासूर खत्म कर दे। लेकिन टीटीपी का नासूर कैसे खत्म होगा? ये जो मुत्तकी साहब हैं, जो अफगान तालिबान है, वो तो उनको होस्ट करके बैठे हुए हैं। और टीटीपी जो थी वो दैट वाज अ मेजर पार्टनर विद द अफगान तालिबान इन फाइट विद द अमेरिकंस। तो जब अमरीकियों को सारी मदद इन्होंने टीटीपी से ली है, और जो ज्यादा डैमेज मुझे सुनने में आया कि अमरीकियों को किया था, वो तो टीटीपी ने किया था। और टीटीपी हमारे खिलाफ भी लड़ती है और हमें भी मारती है। और वो ग्रुप्स की अगर आप डिमांड देखें तो वो कह रहे हैं जी आप पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बदलें, वो कह रहे हैं कि गन पॉइंट के ऊपर हमें बदलेंगे। वो गन पॉइंट के ऊपर अपनी डिमांड्स एक्सेप्ट कराना चाहते हैं, वो शरीयत चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड्स हैं उनको ऑनर करें आप। और अब वो कह रहे हैं जी कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो फेल हो गई है इन चीजों को देखते हुए। सो और उन्होंने कहा जी कि गवर्नमेंट इसके बावजूद कि हमारा और इनका सीज फायर था, तो इन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी शहरों में जो उनको इन्फॉर्मेशन मिली हमारे बारे में, जो उन्होंने लोगों को डिटेन किया, इन्होंने छापे मारे, और जारी बात है हुकूमत कैसे ट्रस्ट कर सकती है? हाउ कैन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ट्रस्ट? और करना भी नहीं चाहिए। और किन इन ठगों से ट्रस्ट, इन ठगों के ऊपर ट्रस्ट करेंगे आप? ये ठग्स जो पहाड़ों में और पता नहीं कहाँ कहाँ दूसरे मुल्क में बैठ के और किसी तीसरे मुल्क से पैसा लेके पाकिस्तान पे हमले करते हैं, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन पे ट्रस्ट करेगी? और ये वो कह रहे हैं जी सीज फायर मुमकिन नहीं है। तो बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट को, ये हमारी हुकूमत को भी थोड़ा हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि ये जो अफगान तालिबान है, जिनके लिए पूरी दुनिया में हम इनकी एडवोकेसी कर रहे हैं, ये मुत्तकी साहब पाकिस्तान आए हुए थे और हम इनकी पूरी दुनिया में एडवोकेसी कर रहे थे कि भाई आप जो है वो हमें ये बता रहे हैं कि आज अफगान जो टीटीपी वाले हैं वो हमारे खिलाफ दोबारा खड़े हो गए हैं। ये मुत्तकी साहब, इनके लिए फॉरेन मिनिस्टर ब्रसल्स गए हुए थे, इनके लिए ओआईसी की कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, और इनकी नाक के नीचे टीटीपी बैठी हुई है अफगानिस्तान, इनकी नाक के नीचे। हम दुनिया को ये बता रहे हैं जनाब ये अफगान तालिबान जो है ना जनाब, इधर बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ गया है। यहाँ पे मैं आज देख रहा था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को तकरीबन $280 मिलियन जो है वो रिलीज कर रही थी, वर्ल्ड बैंक के पास को $1.5 बिलियन है, वो थोड़ा थोड़ा रिलीज करने की बातें हो रही है, बिकॉज देयर इज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। इन्होंने हमारी इकोनॉमी का भट्टा बटा दिया। वो क्या कहते हैं, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी डूबेंगे डुबाएंगे, क्या वो गाना था या पता नहीं क्या शेर है, मुझे याद नहीं। सो पॉइंट ये है कि ये जो लोग हैं अब ये क्या कर रहे हैं कि ये टीटीपी को कवर देंगे, ये टीटीपी को कवर देंगे। अगर ये सीज फायर एग्रीमेंट नहीं होता तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जरा हेल्प नहीं करनी चाहिए तालिबान की। अब हम इनकी हेल्प करें, हम इनको जो है वो लें उसमें, इनकी दुनिया में एडवोकेसियां करते फिरें जनाब इनकी। तो दोस्तों अफगान तालिबान से लड़ना पाकिस्तानियों के लिए उतना ही मुश्किल है जितना वर्ल्ड कप में पाकिस्तानियों का अफगानों को हराना। वर्ल्ड कप में दोस्तों 2023 से और वर्ल्ड कप से पहले भी एक T20 सीरीज हुई थी, उसमें भी लगातार अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान को धूल चटा रही, और इधर टीटीपी के फाइटर्स अफगानिस्तान बॉर्डर के आसपास जो है वो पाकिस्तानी सेना को, कोई भी दोस्तों दो दिन ऐसा नहीं जाता जिसके अंदर पाकिस्तानी सेना 72 के पास ना पहुंचे, यही नंबर वन आर्मी है भाई दोस्तों। घुटना टेकने में, ठीक है, सरेंडर करने में, ऑपरेशन चलाने में, इन सब में ये नंबर वन है। ऑपरेशन फेल, ऑपरेशन चलाते, कुछ चीज़ हो गई, ऑपरेशन लॉन्च कर दिया पाकिस्तानी आर्मी ने, सब सावधान हो जाओ। ये ऑपरेशन लॉन्च इनके लिए मतलब हलवा हो गया। अभी कल ही ऑपरेशन लॉन्च किया था, आज न्यूज निकल के आ रही है खुद ही 5 ढेर हो गए। ऑपरेशन लॉन्च किया, दुश्मन नहीं मरे लेकिन 5 खुद के जवान ढेर हो गए। भाई इतनी बेइज्जती कराओगे तुम अपनी? दोस्तों अगर कोई पाकिस्तान से देख रहा है ना ये वीडियो, तो तुम खुद सोचना यार पाकिस्तानी आर्मी ने तुम्हें दिया क्या है। इन्होंने लड़ने के अलावा, तुम्हारी बेइज्जती कराने के अलावा, सरेंडर करने के अलावा, आतंकवाद को पालने के अलावा, पाकिस्तान को बदनाम करने के अलावा और कुछ नहीं किया। इस पे भी अगर लोकल पाकिस्तानी बाप बना के बैठी हुई है ना पाकिस्तानी आर्मी को, तो शर्म से डूब मरने का मकाम है तुम्हारे। दोस्तों लड़ने के अलावा, दुश्मन के दांत खट्टे करने के अलावा, पाकिस्तानी सेना हर काम करती है, गवर्नमेंट भी चलाती है, इसीलिए पाकिस्तान में कभी डेमोक्रेसी लोकतंत्र रही ही नहीं।
ठीक है, इसके बाद बिजनेस भी पाकिस्तानी आर्मी करती है, मदरसे भी पाकिस्तानी आर्मी बनाती है, मौलवी भी पाकिस्तानी आर्मी बनाती है, भाई यही सब काम है तुम्हारा, मुजरा डांस, शराब बनाना, बीड़ी सिगरेट बनाना, ये सब काम है पाकिस्तानी आर्मी का। ऐसे ही आर्मी दुनिया में अनोखी सिर्फ भिखारियों की होगी। खैर, तालिबान ने इनको ठोका, मजा आ गया अफगानिस्तान सेमीफाइनल में भारत के साथ, वो भी मजा आ गया। जुड़े रहे ऐसी वीडियोज़ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।